एज यू नो गाइस, जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात आती है तो वन प्लस का नाम सबसे ऊपर आता है। वन प्लस नंबर वन पे स्टैंड करता है। इसके पीछे के दो तीन बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि वन प्लस के स्मार्टफोन्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में आते हैं। उसी के साथ साथ इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है, जो कि एक रिच चॉइस है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इससे आपको देखने को मिल जाता है। और आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है वन प्लस की। तो इन रीजंस की वजह से जो वन प्लस के स्मार्टफोन्स है वो नंबर वन पे स्टैंड करते हैं फ्लैगशिप कैटेगरी में। और अगर आपका बजट है 30 से ऊपर तो आपको कोई भी बंदा वन प्लस ही रेकमेंड करता है कि आपको वन प्लस ही परचेज करना चाहिए। अभी रिसेंटली वन प्लस ने वन प्लस 8 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च हुआ था, लेकिन जो प्राइस थी वो लिटिल बिट हाई थी। अब इनके प्राइस हाई रखने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इनका अपकमिंग स्मार्टफोन, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट इनका जो टीज़र पेज है वो भी अमेजन पर लाइव होकर सामने आ चुका है। अब ये स्मार्टफोन या तो वन प्लस जेड होने वाला है या फिर वन प्लस लाइट। अब नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वन प्लस की ब्रांडिंग है, तो स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है और ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। तो आज हम बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के स्पेक्स, इसकी प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। तो इसमें आपको 6.5 इंच की 90 हर्ट्ज वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि ऑब्वियसली एक पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। साथ ही जो बैक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ग्लासी फिनिश देखने को मिलने वाला है और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आपको बैक में भी देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ अगर हम बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बेसिकली स्मार्टफोन एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी प्राइस अंडर 25,000 रहने वाली है इंडिया के अंदर, ऐसा वन प्लस ने भी कंफर्म कर दिया है। तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली एक 5G प्रोसेसर है। तो ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इससे आपको देखने को मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह इसमें कर पाएंगे। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के यहाँ पे कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है और जो इसका प्राइमरी कैमरा होगा वो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि सोनी के सेंसर के साथ में आने वाला है। और वन प्लस के जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है आपको कैमरे से। साथ ही अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको डुअल पंच होल कैमरे देखने को मिलने वाला है, जो इसका प्राइमरी कैमरा होगा वो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ वगैरह ले पाएंगे। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 5 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ या फिर फोटोज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही अगर बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको 5000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसको चार्ज करने के लिए 30 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकता है और ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। अब यार बात करें स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है फास्टर फाइल्स ट्रांसफर के लिए। साथ ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट होने वाला है। उसी के साथ साथ ये स्मार्टफोन जो है वो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होने वाला है। अब यार बात करें स्मार्टफोन की प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मी स्मार्टफोन की जो बेस रेंज की प्राइस रहने वाली है वो इंडिया में 23,000 के अराउंड रहने वाली है। आपको क्या लगता है कितनी प्राइस रहनी चाहिए स्मार्टफोन के बेस वेरियंट की इंडिया के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर ये स्मार्टफोन 22 या फिर 23,000 में लॉन्च होता है इंडिया के अंदर, तो क्या आप इसे लेना प्रेफर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। साथ ही अब बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो हालांकि अभी तक कोई भी स्मार्टफोन की स्पेसिफिक लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट इसी वीक में ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।